Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सभी? I hope you all are doing great and safe. My name is Anamika and अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा. गाइस, जैसा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के आते ही हमारी स्किन की बैंड बजना शुरू हो जाती है. गर्मियों में हमें बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमें धूप की वजह से काफ़ी ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इसके अलावा हमारी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयली होने लगती है और हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल भी लगने लगती है. इसके अलावा हमें फेस में कहीं कहीं डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग होम रेमेडी. ये रेमेडी आपके फेस से टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करेगी और साथ ही साथ ही आपके स्किन से एक्सेसिव ऑयलीनेस की प्रॉब्लम को दूर करेगी और आपके फेस में जितना भी डिस्कलरेशन हो गया ये उसे भी ठीक करने का काम करेगी और आपकी स्किन को बनाएगी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड लाइट. गाइस, ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है और इस रेमेडी में आपको सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप्स ही फॉलो करने पड़ेंगे और इन दो स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी स्किन को बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट. अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो पूरी गर्मियों में आपकी स्किन बिल्कुल भी डल नहीं पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग स्किन देखने को मिलेगी. सब हम फटाफट से देख लेते हैं कि इस रेमेडी को प्रिपेयर कैसे करना है. तो अब बिना टाइम वेस्ट करते बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर. सो गाइस, सबसे पहला स्टेप होने वाला है क्लींजिंग. तो फेस को क्लीन करने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे एक क्लेंजर. इस क्लेंजर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बोल में 1 टेबल स्पून जितना रॉ मिल्क और आपको उसमें ऐड करना है कुछ बूंदे लेमन जूस की. इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है जिससे कि दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो सकें. 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि मिल्क की कंसिस्टेंसी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और आपको इस मिल्क को लेना है और अपने पूरे फेस पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लेना है और सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज करना है और फेस को क्लीन करना है. ये DIY क्लेंजर आपके स्किन को लाइटन अप करने में हेल्प करेगा. साथ ही साथ अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है तो ये उसे रिमूव करने का काम करेगा और अगर आपके फेस पे दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो इस DIY क्लेंजर के रेगुलर इस्तेमाल से वो भी काफ़ी हद तक दूर होने लगेंगी. सो इस DIY क्लेंजर से आपको 2 मिनट तक अच्छे से अपने फेस में मसाज करना है और उसके बाद आपको अपने फेस को सादे पानी से वॉश कर लेना है. फेस वॉश करने के बाद आपका फेस अब नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करने के लिए बिल्कुल ही रेडी है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम अपने लिए प्रिपेयर करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फेस मास्क. ये फेस मास्क आपकी स्किन को लाइटन अप करने में हेल्प करेगा, फेस को ब्राइटन अप बनाएगा और आपके फेस से एक्सेसिव ऑयलीनेस की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करेगा. सो इस DIY फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बोल में 1 टेबल स्पून जितना बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर. अगर आपको बेसन सूट नहीं करता है तो आप उसकी जगह पे मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जितना कॉफी पाउडर. आपको इसमें कॉफी पाउडर जरूर ऐड करना है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं. एंड देन इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कुछ बूंदे लेमन जूस की एंड 2 टेबल स्पून जितना दही और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि एक अच्छा सा पेस्ट बनके रेडी हो जाए. इस फेस मास्क को आपको अपने फेस और नेक एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं. आप चाहे तो इन्हें अपने हैंड्स पे और लेग्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. जहाँ पे भी आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ इस पैक को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया जिसमें बहुत सारी अमेजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है. ये हमारे स्किन से एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. इसके अलावा हमारे फेस से दाग धब्बों को कम करने में हेल्प करता है और हमारे फेस को लाइटन अप एंड ब्राइटन अप भी बनाता है. और हमने यहाँ पे कॉफी का भी इस्तेमाल किया. कॉफी का इस्तेमाल हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है. कॉफी एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग एजेंट माना जाता है. अगर आप अपने फेस मास्क में कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख पाएंगे कि काफी ज्यादा लाइटन अप एंड ब्राइटन अप होने लगेगी. इसके अलावा हमने लेमन का इस्तेमाल किया जो कि हमारे स्किन से एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और हमारे फेस के दाग धब्बों को भी कम करने का काम करेगा. और हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है. गर्मियों में दही का इस्तेमाल हमारे स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड एंड AHA जो कि हमारे स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और हमारे स्किन को टाइटन अप एंड ब्राइटन अप भी बनाता है. सो जब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो इनके बेनिफिट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें इनके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं. 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने फेस को सादे पानी से वॉश कर लेना है. इसके बाद आप चाहे तो अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपने 7 दिनों तक इस रेमेडी को फॉलो कर लिया तो आपको पार्लर जाके कोई भी एक्स्ट्रा क्लीनअप एंड डीटैन में अपने पैसे नहीं वेस्ट करने पड़ेंगे और सिर्फ होम रेमेडी की मदद से अपने स्किन को बना सकेंगे बहुत ज्यादा हेल्दी एंड रेडिएंट. सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई. अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.